बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अशोक गहलोत बोल रहे हैं, आपको भी सुनवाते हैं। कोऑर्डिनेटर गांधी पीस फाउंडेशन और नॉन वायलेंस सेल के मनीष शर्मा जी, राजेश गुप्ता जी और तमाम जो साथी जुड़े हुए हैं जिलों में, हमारे कलेक्टर साहबान और तमाम अधिकारीगण और जो सम्मानित हुए साथी हमारे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, अब ये वीसी ओपन है, ये वेबिनार जो चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये पब्लिकली ओपन है, इसमें हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। उन सबको मैं संबोधित करते हुए, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज अंबेडकर जयंती पर हम सब यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए, और जैसा कि आज इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती उपलक्ष्य में सामरिक समरसता, शांति एवं समावेशी विकास का जो विषय रखा गया, मैं समझता हूँ कि बहुत मौजूद है और आज के वक्त में भी इसकी जरूरत है। जो आजादी पहले थी और जिस रूप में अंबेडकर साहब ने जो मैसेज दिया देश दुनिया को उस जमाने के अंदर, जिसके बारे में रिपोर्ट रखता हूँ, जो आपने कई बातें सुनी, उस वक्त के महापुरुष महात्मा गांधी के सानिध्य में जिस प्रकार से आजादी की जंग लड़ते थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या मौलाना अबू कलाम आजाद, और जो संविधान सभा बनी थी उनके अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद जी को, जो बाद में राष्ट्रपति बने, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान निर्माण कमेटी के चेयरमैन बनाया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस जमाने में कितनी बड़ी सोच थी, कितना बड़ा देश को आजाद करवाने के लिए विचार था, कि जिसमें मतभेद होते थे पर मनभेद नहीं होते थे। जो आज भी हम कहते हैं कि मतभेद तो हो सकते हैं पर दिल के अंदर भेद नहीं होते थे, मन के अंदर भेद नहीं होते थे, सबका एक ही उद्देश्य होता था कि किस प्रकार हम देश को आजाद करवाएं। और किस प्रकार से जब संविधान बना, तो जो अभी आपको बताया गया कि जिस प्रकार अंबेडकर साहब के चेयरमैनशिप में संविधान निर्माण हुआ, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखित के अंदर है हमारा संविधान, और मुझे इस बात का गर्व है कि कितनी बड़ी सोच उस वक्त में थी कि संविधान लागू होने के दिन से ही इस देश के अंदर महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया, संविधान लागू होने के साथ में, जबकि अमेरिका में जैसा बड़ा मुल्क है, विकसित राष्ट्र है, कहते हैं वहां 144 साल लगे थे, 144 साल लगे तब जाके वहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है। इंग्लैंड जिनके हम गुलाम थे, पूरी दुनिया में उनका सूर्य नहीं डूबता था, वहां भी करीब 118 वर्ष लगे होंगे। अब कल्पना कीजिए हमारे महापुरुषों की सोच कितनी बड़ी थी उस जमाने के अंदर, और उसी रूप में संविधान का निर्माण हुआ जिसका आज दुनिया लोहा मानती है। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, हम सब बात आ जाती है, और आज भी हम शपथ लेते हैं जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, और उसी के आधार पर हम लोग अगर अपना व्यवहार रखे हैं, अपनी भावना रखे हैं, तो मैं समझता हूं कि आधी समस्याओं का समाधान हो सकता है। पीवी राजगोपाल साहब ने, सुब्बा राव जी ने कहा, आज माहौल वो नहीं है। क्यों नहीं है? जब आपने संविधान की शपथ ली है तो सरकारें तो बदलती रहती है, पर संविधान को अगर आपके मूल में है, संविधान की भावना मूल में है जिसकी आप शपथ लेते हो, तो उसके बाद में आपको आचार विचार और आपके जो क्रियाकलाप है, आपकी सोच है, आपके एक्शन है, वो वैसे होने चाहिए।
आज वो नहीं है। आज देश में बहुत बड़े चुनौतियां आ गई हमारे सामने, लोकतंत्र की स्वयं की चुनौती आ गई, लोकतंत्र की दिशा में जा रहा है देश के अंदर। समाजवाद की भावना जो थी वो किस दिशा में जा रही है, नीतियां क्या बन रही है हमारी, वो किन वर्गों के पक्ष में है। दल निरपेक्षता की बात करते हैं तो आज तो हिंदुत्व के नाम पे शासन हो रहे हैं देश के अंदर, ये तो बहुत आसान काम है। आग लगाना बड़ा आसान होता है, आग लग जाती तो बुझाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये आग लगाने के काम है, ये बहुत आसान काम होते हैं। धर्म के नाम भड़का दो आप, जाति के नाम पे आप गांव में लड़वा दो लोगों को, बहुत आसान काम है। पर जाति के नाम पे सब प्रेम से मोहब्बत से भाईचारे सद्भाव से रहे, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। उत्तम होता है जब सबके दिलों में प्रेम की भावना हो, निस्वार्थ हो, जो सदियों से हम प्रेम और भाईचारे की बात करते आए हैं वो भावना हो। परसों बराजी ने कहा जिस रूप में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे गए थे, मैं भी बचपन में देखा, मैंने रात भर जग रहा था मैं खुद भी, कब वो चंद्रमा पे पैर रखे वो क्षण मैंने भी देखा। और अभी सुबह राव जी कह रहे थे कि किस प्रकार से, उन्होंने कहा कितनी खूबसूरत पृथ्वी दिख रही है, कोई स्पेस नहीं है। उन्होंने कुछ शब्दों में ही सब व्याख्यान कर दिया कि आज जब पृथ्वी बनी तब क्या सोच होगी, और आज जाति धर्म वर्ग सब बातें सामने आ गई, राग द्वेष सामने आ गए। इसलिए बहुत बड़ी चुनौती आज इसलिए है, आज जुडिशरी हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे वो एजेंसियां हो आपकी सीबीआई ईडी इनकम टैक्स, सब दबाव के अंदर काम कर रही है। लव जिहाद, आप नारा दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, नारा दे दीजिए, भड़काना बड़ा आसान काम होता है। और मैंने अनुभव किया जिस परिवार में झगड़े होते हैं वो परिवार कभी ऊपर नहीं उठ सकता है, यही बात लागू होती है गांव में झगड़े होते हैं वो गांव में विकास नहीं हो पाता है, यही बात लागू होती है जिले के अंदर या प्रदेश में या देश के अंदर। आप सब मिलके अगर आपकी सबकी भावना देश प्रेम की है, भाईचारे की है, सद्भाव की है, आगे ले जाने की है, हम कितने पिछड़े मुल्क के रूप में माने जाते थे, अब जाके आपकी कुछ हैसियत बनी 70 साल के अंदर, विज्ञान में तकनीकी के अंदर, पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य सड़कें बड़े बड़े बांध कल कारखाने थे क्या, जब आजाद हुए तब सुई नहीं बनती थी, वही बाढ़ चाहती थी, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं, बिजली होती क्या है, और फिर भी लोगों ने सुनना पड़ता नेताओं से जो शासन मानते उनसे 70 साल में क्या हुआ देश के अंदर। अम्बेडकर साहब ने तो जिया है जिंदगी मेरे बचपन के अंदर, जो अपमान जिया और पिया है, ये गांधी जी के ऊपर जो घटना हुई थी अफ्रीका साउथ अफ्रीका के अंदर, जब ट्रेन से उनको बाहर फेंक दिया गया, तो गांधी और अम्बेडकर दो व्यक्तियों ने अपमान के घूंट को पिया और जिया, पर रिएक्शन करने की बजाय उस गुस्से को उन्होंने पाल लिया अपना लिया, और वो उसका उपयोग किया समाज सुधार के लिए, ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए, सामरिक समरसता लाने के लिए, काले गोरों का भेद मिटाने के लिए, और गुस्से को पाल करके गांधी जी ने गुस्सा पाला उसको। एक रिपोर्टर का वाले पुलिस के अंदर के लड़ते गए लड़के जाते वो अपने लिए, तो क्या न्याय मिलता या कुछ भी होता, उस गुस्से को पाल के उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर काले और गोरे के भेद को लेके संघर्ष शुरू कर दिया, पूरी दुनिया में तहलका मच गया। उसी प्रकार से जो बचपन में
जो अपमान के घूंट पीने पड़े डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल के अंदर भी, उस गुस्से को उन्होंने पाला और काम में लिया, इंग्लैंड गए, विद्वान बन के आए, कौंसिल बनाने में भागीदार बने, और संविधान की मूल भावना वही है समरसता की, जो आरबीएस है सर, मूल भावना को उसमें प्रतिपादित किया। छुआछूत की बात हो, आरक्षण की बात हो, ये तमाम आजादी के बाद में फैसले हुए हैं, पंडित नेहरू के जमाने में फैसले हुए हैं। राजीव गांधी ने 73-74 अमेंडमेंट किया, उसके पहले गांव में कोई सरपंच बनने देता है एससी एसटी का आदमी को, महिला को, महिला चाहे किसी कौम की जाति की हो, कौन परवाह करता उसकी, पुरुष प्रधान देश है तो। पर जो क्रांतिकारी कदम उठाए संविधान संशोधन के माध्यम से, उसके बाद में आज महिलाएं भी एससी भी एसटी भी ओबीसी भी प्रमुख बनते हैं, प्रधान बनते हैं, सरपंच बनते हैं, मेयर बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। तो हमारा शानदार इतिहास है, शानदार उपलब्धि हमारी 70 साल की है, 75 साल होने आ रहे हैं 15 अगस्त 22 को, और जश्न मनाया जाएगा पूरे देश में, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत सरकार ने भी फैसला किया है, बड़ी कृपा करी उन्होंने, कम से कम ये फैसला तो किया जिसका हम स्वागत करते हैं। अब अगर आज जो गोष्ठी हो रही है उस प्रकार की गोष्ठी अगर पूरे देश में हो, नौजवानों के सामने विषय रखे जाए जिसकी जरूरत है, राष्ट्रीय बहस हो हर विषय पर हो, उपलब्धियों पे हो, कमियों पे हो, खामियों पे हो, जो गांधी जी कहते थे कि आज जो मैं कहता हूं जुड़ने कोई सही बात हो, कल हो सकता है मेरे खुद के विचार बदल जाए, मैं जो आपको कह रहा हूं जुड़ने को बात सही हो, पर हमारी युवा पीढ़ी को जब तक हम तैयार नहीं करेंगे, वो खुल के डिस्कशन करे, चिंतन करे, मनन करे, पोस्टमार्टम करे, हालातों का, वर्तमान स्थितियों का, उपलब्धियों का, कमियों का, खामियों का, उनमें सोच पैदा हो कि हमारा जो आने वाला कल है उनके ऊपर भार होगा। आज तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा है दुनिया के, 2/3 से अधिक आबादी तो युवाओं की है, और मैंने सुना कल भी कोई आर्टिकल या बता रहे थे 2045 तक यही रहने वाली है, युवा आबादी रहने वाली है देश के अंदर सबसे ज्यादा। तो क्यों नहीं हम युवाओं को, हमारा खुद का कर्तव्य बनता है कि हम उनको सही रास्ते पर ले आए, उनको अवसर प्रदान करें, उनको हमारे देश की जो भारतीय संस्कृति संस्कार परंपरा महान है, आजादी के आंदोलन में किस प्रकार से लोग संघर्ष किए, जेलों में बंद रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल तक जेलों में बंद रहे, उस जमाने की जेलों में 10 साल तक बंद रहना कैसे कहते हैं, गांधी जेलों में बंद रहे बार बार, कितने लोग जेलों में बंद रहे, लाठे खाई, गोले खाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, कितने लोग फांसी के फंदे पे चढ़े, आजादी को ऐसे नहीं मिली है। राज जो सत्ता बैठे हुए उन्होंने अपनी उंगली नहीं कटाई है, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 70 साल में क्या होगा। अरे आजाद मुल्क को करवाया है, कानून कायदे बनाए हैं, संविधान बनाया है, और संविधान पे मुल्क चलता है, और ऐसे कहने वालों की ड्यूटी नहीं है कि जो शपथ लेते हैं मंत्री बनते वक्त में, तो शपथ को कम से कम उसकी सेंटिटी रखो, कोई रख रहे हैं लोग, इस प्रकार के हालात में आज चल रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि संविधान की मूल भावना दिल में उतारो शपथ लेते वक्त में, आपकी कलम चले तो उसके आधार पर चले। कितने हमारे महापुरुष कैसे कहते हुए, महात्मा गांधी ने तो कह दिया कि अगर आप सरकार में आ जाओ और कोई फैसला करते वक्त में संदेह पैदा हो जाए, तो आप उस वक्त सोचो उस गरीब आदमी के प्रति जो जिंदगी में आपने किसी देखा है, फिर तय करो जो मैं फैसला वो करूं जो उसके पक्ष में जा रहा है क्या। इसी को मैं आजादी की पहले मिल गई, आजादी के वक्त मिल गई,
तो कहा तो हमारे महापुरुषों ने, हमारा सौभाग्य है कि इस कुदरत ने हमें, जब हम गुलाम थे तो ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा किए देश के अंदर जिनके कारण से सही रास्ते पे चलते हुए, अहिंसा के रास्ते पे चल करके इस मुल्क को आजाद करवा दिया। और गांधी ने पूरी दुनिया में आज उनका नाम है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रही है दुनिया आज 2 अक्टूबर को, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी जी ने बकायदा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया, इसके लिए प्रस्ताव पास किया, विदेश मंत्री को भेजा आनंद शर्मा को, वहां पर यूएनओ के अंदर सबसे बातचीत कर रही गई, उनको समझाया गया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। और ये क्या करते हैं, महात्मा गांधी के अंबेडकर के मतभेद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंबेडकर के मतभेद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरदार वल्लभ भाई पटेल के मतभेद थे, ये इसी में लोगों को गुमराह करते हैं। इनको पूछे आपका क्या लेना देना है उन बातों से, आप तो कोई संपर्क भी थे उस वक्त में, अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे आप, तो वो लोग थे आप, कितना बड़ा दिल था। जो अंबेडकर अलग भी था, मान लीजिए कांग्रेस में नहीं थे, तब भी उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये थी मतलब सोच देश के प्रति। अगर ये सोच आज हो जाए नेताओं में कि कोई बड़ी पार्टी के नेता हो, कोई दुश्मनी नहीं हमारी आपस के अंदर, लड़ाई होनी चाहिए विचारधाराओं की, कार्यक्रमों की, नीतियों की, हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या हमारी सोच है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। आज भी कई ऐसी समस्याएं जो मिलकर सब लोग एकजुट होकर कर सकते हैं। मैंने कल मीटिंग में कहा कि आज पर्दा पर्दा घूंघट पड़ता है, औरतों का आप कैद रखते हो घूंघट के अंदर जिंदगी भर। अरे जो पुरुष प्रधान देश बना हुआ है सदियों से, अब वक्त आ गया है साइंस का, टेक्नोलॉजी का, जो राजीव गांधी ने कहा था 21st सेंचुरी में ले आएंगे देश को, उसके माने ही थे। आज आपका आपके इंटरनेट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर आ गए, पूरी क्रांति आ चुकी है। ऐसे वक्त में जो अंबेडकर ने शिक्षा दी है, शिक्षित बनो, एकजुट रहो और संघर्ष करो, उसके आज भी मायने हैं। छुआछूत आज भी हो रही है, 70 साल के बाद में भी कोई ध्यान देता उसके ऊपर। बचपन में हम सुनते थे कि जो फ्रीडम फाइटर होते थे उस जमाने के, चाहे वो ब्राह्मण होते थे, कोई होते थे, जब जयनारायण व्यास चले राजस्थान जोधपुर के, मानिकलाल वर्मा उदयपुर के, कितने नाम गिनाए। उस जमाने में लोग मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष करते थे हरिजनों के लिए, और लाठीचार्ज होता था इनके ऊपर। आज हम सुनते नहीं है इन बातों के, तो ध्यान जाता नहीं कि मानवता में कलंक नहीं है। छुआछूत होना मानवता में बड़ा कलंक नहीं है कि आज भी हम आजाद कहलवाते हैं देश के अंदर, पर आज क्या है, मानव मानव के साथ में भेदभाव छुआछूत हो रही है, आज भी हो रही है। तो अंबेडकर का सपना कोई पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए आज भी चाहे कोई जाति धर्म का आदमी हो, इन समस्याओं पे ध्यान देना पड़ेगा। जो अंबेडकर की बात नहीं है, महात्मा गांधी की बात है, जो मानवता की बात है, जो उन्होंने हमें समझाई है, छत्तीसी कौम मिलकर के पहले की तरह जो कुरूतियां हैं उस पर संघर्ष करे, चोट करे उसके ऊपर। मैंने कहा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम होना चाहिए, कॉमन प्रोग्राम है। हमने महिला शिक्षा पर बहुत जोर दिया राजस्थान के अंदर, महिला कॉलेज खोल रही है। हमने कहा कि जहाँ 500 लड़की पढ़ेगी कहीं स्कूल के अंदर, उसको अगले साल हम लोग कॉलेज बना देंगे उस स्कूल को लड़कियों के लिए। और भी कई बातें हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि कृपा करके अम्बेडकर साहब का जो जन्मदिन सब मनाते तो हैं, पर इस वक्त में हम सब ऐसे प्रेम भाव से रहें, धर्म और जाति के नाम पे बात करने के बजाय हम लोग बात करें, हम सब एक हैं, देश पूरा मुल्क एक है, विचारधाराएं अलग अलग है पार्टियों की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आज मुल्क एक रहा है, अखंड रहा है, ये कोई कम बात है क्या। अनेकता में एकता वाला मुल्क है, यहाँ पर अलग अलग भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी,
बंगाली क्या क्या भाषा है, समझ में नहीं आता लिखा हुआ क्या है और किस प्रकार से। जातियां हजारों हैं, बोलियां हजारों हैं, अलग अलग धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन सब धर्म अलग हैं, तब भी आज एक रहे हैं। खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने, जान दे दी अपनी, छीना छनी हो गया उनका, बांग्लादेश आजाद करवाया, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। ऐसी ऐसी बातें इंदिरा जी ने कहाँ सीखी, बचपन में जब फ्रीडम मोमेंट में सीखी थी, इसलिए उनके दिल के अंदर भाव थे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ देश के लिए, देश एक रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए। राजीव गांधी शहीद हो गए, तो आज अम्बेडकर जयंती मनाए चाहे किसी महापुरुष की जयंती मनाए, हमें उस जमाने को याद करना चाहिए जिस जमाने के अंदर हम गुलाम थे, क्या प्रथाएं थी क्या क्या नहीं थी, वो लंबा पोस्टमार्टम हो जाएगा। पर आज तो हम आजाद हैं, आज हम बहुत हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, आज हमारे यहाँ किस प्रकार से सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, दुनिया भर के सैटेलाइट 101 सैटेलाइट एक साथ छोड़े गए, कितने बड़े गर्व की बात होती है। दुनिया भर के मुल्कों के सैटेलाइट हिंदुस्तान में ला करके छोड़े जाते हैं आकाश के अंदर। आज हमको एटॉमिक पावर तक हमारे यहाँ बन गई है, इंदिरा गांधी के जमाने पहला विस्फोट पोखरण में हुआ था। तो मैं कहना चाहूंगा कि अम्बेडकर साहब के नाम की हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, राजस्थान के लॉ यूनिवर्सिटी बनाई, दुर्भाग्य से पिछली गवर्नमेंट ने उसको एक्ट लाके खत्म कर दिया। अब बताइए ये कहाँ की समझदारी है कि एक यूनिवर्सिटी बन गई, हिंदुस्तान के इतिहास में एक यूनिवर्सिटी बन जाती है वो कभी खत्म होती नहीं है। पहला किस्सा था जब यूनिवर्सिटी बनी हुई को खत्म कर दिया गया एक्ट बना करके, वापस हमने वापस सरकार संभाली आप लोगों का आशीर्वाद से, वापस यूनिवर्सिटी को हमने उसको एक्ट पास किया। और अब जो यूनिवर्सिटी जिस रूप में काम कर रही है, अभी दो दिन पहले इनको जमीन का अलॉटमेंट भी हो गया आपको 1,482,000 वर्ग मीटर का, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी उसका शिलान्यास कर लो, जल्दी आप जल्दी काम शुरू करें। और डॉक्टर अम्बेडकर की नाम की यूनिवर्सिटी राजस्थान के राजधानी में, एक मैसेज आएगा पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और संविधान की मूल भावनाओं का आजकल तो हमारे गवर्नर साहब गणराज मिश्र जी खुद पढ़ के सुनाते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम नई पीढ़ी तक बात पहुंचे। तो सही गणराज मिश्र जी ने तो उनके जो कर्तव्य क्या है वही समझाते हैं लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में डॉक्टर अम्बेडकर का जो रास्ता दिखाया हुआ है उस पर चलते हुए हम समरसता, और ठीक कहा मेरे पूर्व वक्ता ने कि वो किसी कौम के खिलाफ नहीं थे, वो अम्बेडकर साहब किसी कौम के खिलाफ नहीं थे, वो तो चाहते थे कि जो दलित है उनके साथ भेदभाव नहीं हो। वो खुद भुगत रहे थे बचपन के अंदर, पानी तक नहीं पी सकते थे, पानी पिलाने वाला कोई नहीं होता था, जो जो किस्से सबको मालूम है, मैं क्या वापस रिपीट करूं, परंतु उनके जो सिद्धांत है उनकी जो सोच है उसको आगे बढ़ाने का आज भी आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि संविधान का निर्माण हम सबको गर्व है, आज हम उनको याद करते हैं, आह्वान करते हैं हमारे प्रदेशवासियों को, हमारे प्रदेश में हम लोग सब मिलकर के जाति धर्म वर्ग सब मिलके हम लोग कैसे राजस्थान के विकास में हम लोग आगे लगे और जो सामाजिक कुरूति है उनको हम लोग दूर करने का प्रयास करें। यही बात कहता हूँ मैं आप सबको, बहुत धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथी जुड़े हुए उनको भी और जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, और मैं समझता हूँ कि वो सब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अभी इनको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया, एक सेट बढ़ के उन्होंने काम किया इस क्षेत्र में। यही मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हम लोग ऐसे और आज जो सम्मानित हुए हैं 17 लोग तो हैं जिले के अंदर और 3-5 लोग हुए यहाँ पर 4 लोग, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनसे प्रेरणा लेकर के और लोग आगे आएंगे। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जो भावना थी जो सिद्धांत थे उनको आगे बढ़ाने में वो अपनी भूमिका अदा करेंगे। ये बात कहता हूँ मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले कहना चाहूँगा सुब्बा राव जी के बारे में और पी वी राजगोपाल साहब के बारे में, जिंदगी खपा दी इन लोगों ने, पता नहीं कितने हजारों लाखों युवाओं को इन्होंने तैयार किया देश के अंदर, जो आपके हमारी तरह की भावना के लोग हैं जो अम्बेडकर और महात्मा गांधी को मानने वाले हैं,
और भावना पैदा करने वाले लोग बने हैं। और मैं देख रहा हूँ सुब्बा राव जी को 50 साल से अधिक हो गए मुझे जानते हुए, ज्यादा हो गए 50 साल से। बचपन से मैंने, जब जोधपुर में आए थे 60 के दशक में, तब से मैं जानता हूँ। 40 साल तो वो, 20 साल ये, 60 साल हो गए। 60 साल से मैं इनको ऐसे देख रहा हूँ और आज तो देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि नौजवान की तरह देखते हैं। आवाज बड़ी बुलंद थी आपकी आज। 4 महीने पहले बीमार पड़ गए थे, मैं मिलने आया था बेंगलोर आपसे, तब में आज में रात दिन का फर्क है। और आज तो आपकी, जब आपने विचार प्रकट कर रहे थे तो बहुत ही आवाज बुलंद थी, लगते नहीं कि आप बीमार हुए थे। भगवान आपको लंबी आयु दे, दीर्घायु हो। और आप जिस प्रकार युवाओं को जोड़ा है देश भर के अंदर, आपके नाम से मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर हर गांव के अंदर कोई ना कोई युवा मिल जाएगा। अभी जब पुरस्कार लेना आए थे मेरे पास एक भाई, क्या नाम उनका, इधर आओ, ये आदिवासी क्षेत्र के हैं, क्या नाम, कोदरलाल बुनकर आदिवासी बांसवाड़ा से हैं। सुब्बा राव जी ये कह रहे मुझे, सुब्बा राव जी के दर्शन करवा दिया आपने, आदिवासी है ये, आदिवासी क्षेत्र से बुनकर, ये कह रहा कि आपने इस प्रोग्राम के माध्यम से सुब्बा राव जी के दर्शन करवा दिए, आपके प्रोग्राम जुड़ा हुआ है पहले से ही। कानोता बांध तैयार हुआ था पूरा, जो कानोता जयपुर में हुआ, तो जी जयपुर, कानोता बांध तैयार हुआ था, कानोता बांध में भी आया था वहां पर जयपुर में, और केरल में भी मिले केरल गया आपके वहाँ प्रोग्राम के अंदर, केरल जाके आया है, बताइए आप। तो ये कह रहे हैं मुझे सुबह दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया आपके प्रोग्राम के अंदर, बहुत खुश है ये। कितने लोगों तैयार किया होगा, और इसी प्रकार पीवी राजगोपाल साहब 1-1 लाख लोगों की, किसानों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के ये चलते भोपाल से दिल्ली तक आते हैं, 1-1 लाख लोग किसे कहते, कल्पना कर सकते हैं आप, रास्ते पर भोजन का, उनका सोने का इंतजाम करना, रास्ते पर इनको लोग मदद करते रहते हैं। आगरा के अंदर, धौलपुर में हम लोग भी कोशिश करते हैं कैसे इनको कुछ सहायता मिले। तो ये संघर्ष करने वाले व्यक्तित्व हैं, ये भी गांधीवादी हैं और जिंदगी जी रहे हैं, ये भी गांधी के विचारों को लेकर के। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको, अम्बेडकर साहब के, उनकी जो जीवनी है उनको अपना करके कई लोग मिलेंगे आपको। सब अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों को नजदीक आने की, करीब आने की जरूरत है। यदि हम सब मिलकर के, छत्तीसगढ़ कौम के लोग मिलकर के, हम कैसे हमारा जो शानदार गुलदस्ता देश का, विभिन्न गुलदस्ता जो होता है, ये बात कह के मैं अपनी बात शुरुआत करता हूँ, को बगीचे के अंदर गुलदस्ता होता है, अगर वहां अलग अलग रंगों के फूल होते तब जाके वो गार्डन कहलाता है, बगीचा कहलाता है। अगर एक ही रंग के फूल हो गए बगीचे के अंदर, गार्डन में, तो वो गार्डन नहीं है, मजा भी नहीं आएगा। उसी प्रकार हमारे मुल्क में अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग वर्ग और आपके अलग अलग बोलियां, भाषाएं हैं, ये गुलदस्ता हमारा मुल्क का है। इसको बनाए रखने का फर्ज हम सबका है। और जिस प्रकार से हरकतें हो रही है, जिस प्रकार से सूर बदल रही है, जिस प्रकार से विचार प्रकट हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और मिस्टर राजगोपाल जी ने कहा हिंसा का माहौल है तो आपको अहिंसा के माहौल को उससे बड़ा करना पड़ेगा। मैं इसे सहमत हूँ, यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है और इसी उपलक्ष्य में सेमार में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, जहां सम्मानित भी किया गया लोगों को, तो इसके अलावा संबोधित भी किया मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को।